गुड इवनिंग. इन चैप्टर सेकंड, नेक्स्ट एग्जांपल सिक्स्थ, आर्गुमेंट इन द फॉर्म कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई जे इन दिस फॉर्म सिग्मा 11, सिग्मा 12, सिग्मा 13 एंड सो ऑन. स्मॉल ए कांस्टेंट. क्या फाइंड आउट करना है? स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई किस पॉइंट पर? 1, 2, 2. तो ए पार्ट के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीन पार्ट हैं, ठीक है. स्ट्रेस वेक्टर इस प्लेन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है, स्ट्रेस वेक्टर इस प्लेन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है, और स्फीयर वाई आई स्क्वायर मीन्स वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर इक्वल टू 9. इस स्फीयर के अकॉर्डिंग स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है. स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा जे आई एन जे, ठीक है. फॉर्मूला सबको क्लियर अच्छे से. जे को वैल्यूज दे दो 1, 2, 3, ठीक है. अब सबसे फर्स्ट ये तो सिग्मा आई जे ये तो यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है. जो भी कंपोनेंट आएंगे स्ट्रेस टेंसर के, ये स्ट्रेस वेक्टर है और ये स्ट्रेस टेंसर, ठीक है. तो ये तो यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे. नेक्स्ट एन वन एन टू एन थ्री यूनिट नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर फाइंड आउट करना है. इसके लिए फॉर्मूला देखो, पहले भी अपनाया था, एन आई इक्वल टू डी आई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी आई. तो सबसे फर्स्ट वी फाइंड एन वन एन टू एन थ्री अकॉर्डिंग टू प्लेन वाई वन इक्वल टू 1. इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 इंटू वाई वन प्लस 0 इंटू वाई टू प्लस 0 इंटू वाई थ्री इक्वल टू 1. तो सबसे फर्स्ट इस प्लेन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे, फिर सेकंड ये प्लेन लोगे और थर्ड ये लोगे. क्लियर है सभी को? अब देखो, इस प्लेन के लिए सबसे फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो डी आई फाइंड आउट करेंगे. सिंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन आर डी आई, डी वन इक्वल टू 1 हो गया, डी टू 0 और डी थ्री 0. तो ये तो डायरेक्शन रेशियो हो गया. हैंस एन आई यूनिट नॉर्मल वेक्टर डी आई अपॉन नॉर्म ऑफ डी आई. क्लियर है? तो यहाँ से एन वन क्या हो जाएगा? डी वन अपॉन अंडर द रूट ऑफ डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर प्लस डी थ्री स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 प्लस 0 स्क्वायर 0. तो ये हो जाएगा 1. और एन टू एन थ्री डी टू 0 है तो 0 अपॉन जो भी होगा वैल्यू 0 आ जाएगी. एंड एन टू एंड एन थ्री आर इक्वल टू 0 बिकॉज डी टू 0 होगा तो 0 अपॉन अंडर रूट 1 0. तो ये दोनों वैल्यूज अपनी क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी. तो इस तरह से सबसे फर्स्ट एन वन एन टू एन थ्री जो भी प्लेन दिया हुआ है, तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट सेम है, ओनली प्लेन की इक्वेशन चेंज हो जाएगी. यहाँ पर डी वन ये हो जाएगा 2, डी टू 1 और डी थ्री 1, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग एन वन 2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो इस तरह से फाइंड आउट कर लोगे. नेक्स्ट इस पे आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई का मींस क्या है? सिग्मा 1 कोमा सिग्मा 2 कोमा सिग्मा 3. तो सिग्मा 1 आई को वैल्यू 1 दे दो, आई 1 देन सिग्मा 1 1 एन 1 प्लस सिग्मा 2 1 एन 2 प्लस सिग्मा 3 1 एन 3. अब एन 2 एन 3 तो 0 है दोनों, एन 2 एंड एन 3 तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी. सिग्मा 1 1 अपने पास 0 है तो ये तो 0 आएगा अपना, ठीक है, क्योंकि सिग्मा 1 1 इक्वल टू 0 और एन 2 एन 3 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा. सिग्मा 2
ये आई को टू वैल्यू दोगे ठीक है। अब इसमें सिग्मा वन टू, सिग्मा वन वन, सिग्मा वन टू, ये भी जीरो है तो ये जीरो हो गया, एन टू जीरो है, एन थ्री जीरो है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। थ्री वैल्यू दो, वन थ्री एन वन प्लस टू थ्री एन टू प्लस थ्री थ्री एन थ्री, सिग्मा वन थ्री, देखो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ए इंटू वाई टू इंटू एन वन वन, ये दोनों जीरो। तो सिग्मा थ्री ओनली फाइंड आउट हुआ है, माइनस ए वाई टू, और वाई टू किस पॉइंट पर फाइंड आउट करने हैं, वन टू टू, तो ये वाई वन, ये वाई टू, ये वाई थ्री, तो ये हो जाएगा टू, तो माइनस टू ए हो जाएगा, ये वाई टू की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो गई किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट वन टू टू, मीन्स स्ट्रेस फैक्टर सिग्मा आई इक्वल टू जीरो कोमा जीरो कोमा माइनस टू ए, ये फाइंड आउट हो गया। तो फर्स्ट इस प्लेन के अकॉर्डिंग सिग्मा आई जो है वो फाइंड आउट हो गया यहाँ पर। सेकेंड पार्ट में इक्वेशन ऑफ प्लेन ये गिवन है, तो यहाँ से ये डी वन टू हो गया, डी टू वन, डी थ्री वन, ठीक है, और एन आई फाइंड आउट कर लो। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू अपॉन अंडर द रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो ये वैल्यूज एन वन एन टू और एन थ्री की वैल्यूज आ गई, एन वन एन टू एन थ्री फाइंड आउट हो गया। तो सिग्मा वन सिग्मा टू और सिग्मा थ्री इक्वेशंस यही आ जाएंगी, सिग्मा वन की ये आएगी, सिग्मा टू ये और सिग्मा थ्री ये, तो ये तीनों इक्वेशन लेते हुए इसमें ये सभी वैल्यूज पुट करके और इनको सॉल्व करोगे ठीक है। तो ये इसमें स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई जो है इसका आंसर बता देती हूँ, सॉल्व आप लोग अपने आप कर लेना। तो उनमें वैल्यूज पुट करोगे तो ये तो सिग्मा वन आएगा, ये सिग्मा टू आएगा और ये सिग्मा थ्री आएगा ठीक है। तीनों सॉल्व करके देखना सेम यही वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आ रही है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, अब फर्स्ट और सेकंड में तो प्लेन की इक्वेशन दी हुई थी और थर्ड में स्फीयर दिया हुआ है, वाई आई स्क्वायर इक्वल टू नाइन, ये है वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर इक्वल टू नाइन। अब देखो इस तरह से कोई इक्वेशन दी हुई हो वाई वन स्क्वायर या वाई आई स्क्वायर इक्वल टू नाइन, तो उसमें देखो किस तरह से इसको सॉल्व करोगे। इस टाइप के कुछ इक्वेशंस में ग्रेडियंट फाइव फाइंड आउट करोगे, ये दिया हुआ है ठीक है, स्फीयर दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में फाइव सपोज कर लो इसको, लेट फाइव इक्वल टू वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो ले लो। अब इसमें ग्रेडियंट फाइव फाइंड आउट कर लो, ग्रेडियंट फाइव, ग्रेडियंट फाइव का मीन्स क्या है यहाँ पर, डेल फाइव, डेल फाई इसका डेल फाई अपॉन डेल वाई आई ठीक है, ये हो जाएगा, या फाई कोमा आई से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, फाई कोमा आई। अब डेल फाई अपॉन डेल वाई आई है, इसका मीन्स क्या है, डेल फाई अपॉन डेल फाई वन, डेल फाई अपॉन डेल वाई टू, डेल फाई अपॉन डेल वाई थ्री, तो डेल फाई अपॉन डेल वाई वन क्या हो जाएगा, टू वाई वन, ये टू वाई टू और ये टू वाई थ्री, इजीली सभी फाइंड आउट कर सकते हो, ये सभी वाई वन वाई टू वाई थ्री ये पॉइंट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, वन टू टू एट द पॉइंट वन टू टू, ग्रेडियंट फाई इक्वल टू वाई वन वन है तो ये हो जाएगा टू फोर फोर ठीक है, वाई टू और वाई थ्री टू है तो टू 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 जा फोर, टू टू जा फोर, ये पॉइंट मीन्स ये वैल्यू आ गई अपनी डेल फाइव की वैल्यू। तो अब डेल ग्रेडियंट फाइव फाइंड आउट होने के नेक्स्ट में एन आई इक्वल टू ग्रेडियंट फाइव अपॉन, पहले भी ये फॉर्मूले जो है वो बताए थे आप लोगों को, डेल फाई अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, तो इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो इसको। जैसे एन वन फाइंड आउट करोगे तो टू अपॉन वही अंडर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा डेल फाई का वो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग इनको सॉल्व कर लो और एन वन एन टू एन थ्री फाइंड आउट हो जाएगा, टू अपॉन फोर अपॉन और फोर अपॉन, तीनों अलग अलग। तो ये एन वन, ये एन टू और ये एन थ्री, तो ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट हो गई एन वन एन टू एन थ्री की। अब सेम वही इक्वेशंस लेकर चलना, ये सिग्मा वन ये, सिग्मा टू ये, सिग्मा थ्री ये, तो इसमें एन वन एन टू एन थ्री ये पुट करना और इनके अकॉर्डिंग तीनों को सॉल्व कर लेना। तो आप सभी सॉल्व कर लोगे इसको, तो अपना सिग्मा आई स्ट्रेस वेक्टर इस स्फीयर के अकॉर्डिंग फाइंड आउट हो जाएगा। तो मेन इसमें यही पॉइंट था कि प्लेन की इक्वेशन जहाँ दी हुई हो वहाँ तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन आई फाइंड आउट करोगे, और जहाँ सरफेस दिया हुआ हो कोई भी तो वहाँ उसको फाई ले लो और ग्रेडियंट फाई फाइंड आउट कर लो और इस फॉर्मूले का यूज करोगे, ग्रेडियंट फाई अपॉन मोडो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है इंपॉर्टेंट है और क्लियर दोनों पता होना चाहिए कि कब कब दोनों को यूज करना है। अब ये सिग्मा वन ये फाइंड आउट होगा, सिग्मा टू टू ए अपॉन थ्री और सिग्मा थ्री जीरो, तो ये तीनों सॉल्व करोगे। इसके पार्ट सेकंड में ये फाइंड आउट करोगे और थर्ड में सिग्मा आई जो है वो ये फाइंड आउट करोगे, इनको सॉल्व करके और मुझे सॉल्यूशन जो है वो सेंड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे।